सजयति हरिवंशुचंद्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा ब्रज
सर्व सुखों की खान श्री हरि भक्ति के स्वरूप और स्वभाव का अनुभव करने वाले, वर्णन करने वाले श्री नारद जी भक्ति सूत्र में ये घोषणा करते हैं, कहते हैं त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। कोई भी युग हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर ये बात त्रिकाल सत्य है, भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, ईश्वर की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। और मैं ये निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं कि जिस प्रकार एक वस्तु को जब आप नेत्रों से नहीं देख पाते और उसी वस्तु को फिर किसी यंत्र की सहायता से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, ऐसे ही उस परम सत्य को भी, जहां तक आपकी मेरी गम नहीं है, जहां तक आपकी मेरी पहुंच नहीं है, उसको भक्त और भक्ति की सहायता से ही देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। कई बार व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया कि ये मानकर आरंभ करने का मार्ग है और मानने की योग्यता आपके मेरे सबके पास में है। आप और मैं मान सकते हैं, आप और मैं मानते हैं। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, श्रद्धा और भक्ति से रहित कोई हृदय नहीं है। ये बात दूसरी है कि श्रद्धा किसके प्रति है, श्रद्धा का पात्र कौन है, आप और मैं किसकी भक्ति करते हैं, किसके किसके प्रति आपका मेरा आकर्षण है, किसके लिए आपके मेरे जीवन में प्रयास है, ये बात दूसरी है। पर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, इनसे रहित कोई हृदय नहीं है, क्योंकि मान्यता के बिना जीवन गतिमान ही नहीं होता, मानकर ही आप और मैं आगे बढ़ते हैं। पर यहां ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि वो जो मानना है वो जानने के लिए मानना है। मानकर रुक जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। केवल मानकर रुक जाने से कार्य नहीं सदता, मानकर जानने की ओर आगे बढ़ा जाता है। और जब बात मानने की आए, जैसे रोग हो जाने पर
चिकित्सक की बात को मान्यता देने के अतिरिक्त आपके मेरे पास में कोई विकल्प नहीं होता। आपको मुझे कोई रोग हुआ, आप और मैं चिकित्सक के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा ये खाइए, आप खाएंगे, वो आपसे कहेगा ये नहीं खाइए, आप नहीं खाएंगे, वो आपसे कहेगा ये औषधि लीजिए, इस समय लीजिए, आपको लेनी है, क्योंकि उसकी बात को मान लेने के अतिरिक्त आपके मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है, और उसकी बात को मान लेना बुद्धिमत्ता भी, क्योंकि वो क्षेत्र का विशेषज्ञ है। ऐसे ही जिसने भी कभी काल क्रम में जिसने भी कभी ईश्वर का उस परम सत्य का अनुभव किया है, जिसने उस सत्य को जाना है, और गोस्वामी जी कहते हैं जानत तुम्ही हो जाई, ये उस परम सत्य को जान लेने वाले का गुण है कि उसको जान लेने वाले का स्वरूप स्वभाव भी कुछ वैसा ही हो जाता है। तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है कि सत्य को जानने की यदि इच्छा हो, यदि जिज्ञासा हो, तो फिर संत की भक्त की बात को मान लेना, ये मंगलाचरण है। तो नारद जी कहते हैं कि त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात इसमें कोई संशय रखिए ही नहीं, इस मत में, इस सिद्धांत में, इस विचार में कोई संशय न रखिए कि त्रिकाल में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है, कोई है, तो वो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी। अब बात यहाँ ये आ उठती है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति का दर्शन करने के लिए भक्त के पास जाया जाता है। भक्ति अगर अपने पूर्ण रूप से कहीं प्रकाशित प्रफुल्लित हुई है, होती है या हो सकती है, तो वो भक्त के ही हृदय में हो सकती है। जैसे अभी हम मैं आज ही शायद चर्चा कर रहा था किसी से कि मानस में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है कि जब श्री रघुनाथ जी शबरी की कुटिया पर पधारते हैं, शबरी की कुटिया पर पधारते हैं, शबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी और तिनमें मैं मति मंद अघारी, और फिर शबरी अपना एक आत्मसमर्पण भरा भाव निवेदन करती है कि किह विधि अस्तुति करूं तिहारी, हे नाथ मेरे पास तो ऐसे शब्द नहीं, आप मेरी कुटिया पर अकारण कृपा करके, ये मेरे गुरु का संकल्प सफलीभूत हुआ है कि आप मेरी कुटिया पर आकर विराजमान हुए हैं, पर मेरे पास स्वागत करने योग्य दो वचन भी नहीं हैं, मैं नहीं जानती किन शब्दों में आपकी स्तुति की जाए, और शबरी आत्मनिवेदन करके मौन हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है, प्राय करके आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैंने भी कई बार इसकी चर्चा की कि श्री रघुनाथ जी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, पर वस्तुतः नवदा भक्ति का उपदेश नहीं दिया श्री रघुनाथ जी ने, नवदा भक्ति कहकर श्री रघुनाथ जी शबरी की स्तुति करते हैं। भगवान ने प्रथम भक्ति संतन करी संगा से लेकर नवम सरल सबसो छलहीना तक कह देने के बाद भगवान शबरी से क्या कहते हैं कि इन नौ में से एक भी भक्ति यदि किसी के हृदय में हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक और बड़ी सूक्ष्म घटना यहां पर घटी कि श्री राम सन्यासी के वेश में हैं, और सन्यासी को संबंध बनाने का अधिकार नहीं होता, मर्यादा पुरुषोत्तम एक और धर देते हैं अपनी मर्यादा भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर, और शबरी को दो स्थान पर भगवान भामिनी कहकर पुकारते हैं, भामिनी अर्थात बहन। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, और फिर दूसरे स्थान पर भगवान ने कहा सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान ने कहा कि ये नवदा भक्ति मैंने आपको उपदेश करने के लिए नहीं कही, सुनने वाला तो वहां पर कोई और है नहीं, शबरी है, श्री लक्ष्मण जी हैं और श्री रघुनाथ जी हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है, और शबरी उसकी प्रार्थना भी नहीं करती, पर भगवान शबरी की स्तुति करते हैं ये कहकर कि नौ प्रकार की भक्तियां अगर कहीं पर प्रकट रूप से विराजमान है तो हे तपस्विनी वो तुम में है। भगवान ने कहा कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और मैं तो कई बार कहता हूं भाई कि आपके मेरे कह देने से मान लेने से भक्त नहीं होता, भक्त तभी होता है जब भगवान मान ले कि हाँ ये भक्त है, जब भगवान माने भक्त है। भक्ति कब पूर्ण होती है, जिसे आप साधना कहते हैं,
वो साधना सिद्ध कब होती है, या फिर मैं थोड़े सरल शब्दों में अगर ये कह दूं, एक संबंध जीवन में कब सफल होता है? एक संबंध जीवन में तभी तो सफल होता है ना जिससे आप संबंध बनाए वो भी स्वीकार कर ले। आप किसी से संबंध बनाते हैं, यदि वो संबंध केवल आपकी ओर से है तो वो संबंध कभी भी उस संबंध का परिपाक नहीं होगा, उस संबंध में कभी पूर्णता नहीं आएगी, उस संबंध में कभी सहज स्नेह प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वो संबंध एक पक्षीय है। संबंध तभी तो स्वीकृत होता है, संबंध तभी प्रफुल्लित होता है, संबंध में स्नेह की सुवास तभी तो आती है ना जब संबंध दोनों ओर से स्वीकृत हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भक्ति भी, भावना भी, साधना भी, उपासना भी, उसी क्षण उसमें सुवास प्रकट होती है जिस क्षण भगवान आपकी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की स्वीकृति ही आपको, मुझे या आप में से किसी भी सौभाग्यशाली को भक्त बनाती है, उपासक बनाती है, साधक बनाती है। ईश्वर की स्वीकृति हो और भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता। जब भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भजन के मार्ग पर साधक वही है जिसको भगवान प्रिय लगते हों। तो मेरे जैसे एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले बाबा अगर भगवान प्रिय लगे ये साधक है तो फिर सिद्ध कौन है? तो भगवान बाबा हंसकर बोले जो भगवान को भी प्रिय लगे वो भजन के मार्ग पे सिद्ध हुआ, उसकी साधना पूर्ण हुई, उसकी उपासना पूर्ण हुई, उसकी भक्ति पूर्ण हुई, जिसे ईश्वर ने अंगीकार किया, जिसे ईश्वर ने स्वीकार किया। ईश्वर जिसके बिना व्याकुल हो, और ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य ना समझिएगा, ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य नहीं है, और मैं केवल मन के रंजन के लिए यहां से कुछ भी कहने वाला नहीं हूं। वस्तुतः ऐसा हुआ है और वस्तुतः ऐसा होता है। एक स्थिति आती है जब प्रेम का, जब स्नेह का पूर्ण रूपेण परिपाक होता है और ईश्वर को व्याकुल देखा जाता है भक्त के लिए, बस भजन के मार्ग पर यही सिद्धि है। भजन के मार्ग पर यही सिद्धि है कि कभी ईश्वर व्याकुल हो आपके लिए, कभी ईश्वर के मन में आतुरता हो आपसे मिलने की। और मैं तो पहले दिन से व्यासपीठ से यह संदेश देता आया हूं भाई, आज तक कभी कोई भक्त चलकर ईश्वर के द्वार तक नहीं पहुंचा, ईश्वर ही चलकर आया है। सदा भगवान ही चलकर आए हैं, भक्त कभी नहीं गया। आप मीरा को देख लीजिए, आप सूर को देखिए, आप तुलसी को देखिए। अभी यहां आने से पूर्व शायद हम जयपुर में थे, तो जयपुर में रामचरितमानस पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने 3 दिन में 3 प्रसंग चुने जहां पर भक्त अभावग्रस्त है, लोक की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से वो अभावग्रस्त है, अपात्र है, हीन है, पर प्रभु कृपा करके जाते हैं। अहिल्या के पास भगवान पहुंचते हैं विश्वामित्र के कहने पर, केवट के पास भगवान चलकर जाते हैं, शबरी की कुटिया में भगवान चलकर जाते हैं, विदुर निमंत्रण भी नहीं देते फिर भी भगवान चलकर जाते हैं। आप यदि कभी भक्तमाल का दर्शन करें, आप कभी भक्तमाल का चिंतन करें, काल क्रम में घटी घटनाओं को आप देखें। एक शायर कहता है भाई, कहता है हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता, प्रेम के लिए, प्रभु के लिए प्राण देने का अवसर, धर्म के लिए प्राण देने का अवसर कुछ सौभाग्यशाली जनों के जीवन में ही तो आता है। वो कहता है हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता, आप और मैं तो संसार का अल्प सा सुख भोग कर चले जाना ही जीवन की उपयोगिता और सार्थकता समझते हैं। पर शायर कहता है भाई हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता, और सौदा जो मिल जाए तो फिर सर नहीं मिलता। और हमने हर राह से गुजर कर देख लिया, हमने हर राह से गुजर कर देख लिया कि वो किसी राह से गुजर नहीं मिलता। जब कभी आएंगे तब कभी आपके मन की कली खिलकर पुष्प बनेगी और भगवान चलकर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति की सबसे बड़ी सुविधा ही यही है। ज्ञानी बेचारा अपने संकल्प के बल पर कहां कहां नहीं जाता, क्या क्या नहीं करता, कितना कठिन मार्ग वो अपनाता है, और फिर कभी जाकर कालांतर में संकल्प की सिद्धि के परिणाम स्वरूप उसे मोक्ष का सुख मिलता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा ज्ञानी में और भक्त में क्या भेद है, क्या दोनों अलग अलग स्थान पर पहुंचते? मैंने कहा भाई अगर अलग अलग स्थान पर पहुंचे तो फिर ईश्वर दो मानने पड़ेंगे, जिससे तो सारा सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो बोले फिर आप भक्ति का पक्षपात क्यों करते हैं? यदि दोनों एक ही स्थान पर जाते हैं, यदि दोनों का गंतव्य एक है, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला भी और प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भी एक ही स्थान पर पहुंचे, फिर भक्ति की श्रेष्ठता क्या है? तो मैंने कहा भक्ति की श्रेष्ठता ये है
कि ज्ञानी जिस मार्ग पर बड़ा सावधान होकर, गंभीर होकर, मौन होकर चलता है, मेरे भक्त उसी मार्ग पर हंसता खेलता गाता गुनगुनाता जाता है। ज्ञानी जिस मार्ग पर चल कर जाता है, भक्त उस मार्ग पर नाचता गाता हुआ जाता है। ज्ञानी के जीवन में जहाँ एक गहन गंभीर मौन होता है, भक्त के जीवन में वहाँ नित्य उत्सव होता है, भगवान नाम के कीर्तन का उल्लास होता है, रूप है, श्रृंगार है, रस है। तो जो भक्ति जो है, इसकी श्रेष्ठता यही है कि ये साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। जिस क्षण आप विचार करें, मैं तो कहता हूँ कभी अनुभव करना इसका जीवन में, प्रभु की सेवा न होकर केवल सेवा की इच्छा भी अगर मन में जगे, तो आप देखो आपके मन में एक गुदगुदी होने लगेगी, आपके मन में एक बड़े सुकोमल से भाव का संचार होने लगेगा। कभी आपके मन में इच्छा हो जाए ना कि कुछ घड़ी बैठकर नाम जप कर लें, नाम जप ना हो, केवल नाम जप करने की इच्छा ही आपके मन को कहीं ना कहीं पवित्र करने लगेगी, पावन करने लगेगी। यही भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है कि भक्ति साधन काल में भी बड़ी सरस है, साधन काल में भी बड़ी मधुर है। अब प्रश्न ये आता है कि जहाँ भक्ति की सर्वोपरि महिमा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, पर पाई कैसे जाए, कैसे जाना जाए कि भक्ति का वस्तुतः स्वरूप है क्या, किसे कहते हैं भक्ति? क्या भगवान को तुलसी चंदन अर्पण करना भक्ति है? क्या तीर्थ और उपवास करना भक्ति है? क्या दान धर्म करना भक्ति है? भक्ति का स्वरूप वस्तुतः है क्या? मैंने आरंभ से ही कहा, आप सबके हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है और भक्ति, और अपने अपने ढंग से सभी लोग किसी ना किसी प्रकार का साधन अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं, पर वस्तुतः भगवान की भक्ति कहते किसे हैं? वो भावना कैसी है जिससे ईश्वर रिझता है? वो भावना कैसी है जिससे भगवान वशीभूत होते हैं? वो भावना कैसी है जिसमें जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? क्योंकि यदि मैं भक्तों का जीवन चरित्र देखता हूँ, यदि मैं भक्तों की ओर दृष्टिपात करता हूं, तो भाई भक्त तो ऐसे ऐसे हुए जिन पर भगवान रिझे, भक्त तो ऐसे ऐसे हुए जो साधन कर भी नहीं सकते, और कुछ ऐसे हुए जिनको साधन करने का अधिकार ही नहीं है, साधन करने का अधिकार ही नहीं है। रैदास भगवान के विग्रह का पूजन करने लगते हैं तो पूरी काशी नगरी में हल्ला मच जाता है कि रैदास शूद्र होकर कैसे भगवान के विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं। कबीर प्रयास करते हैं कुछ कहने का तो कबीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाने लगता है। तो भगवान का भक्त आखिर वस्तुतः कैसे रिझाता है भगवान को? वो विधि क्या है, वो युक्ति क्या है जिससे भगवान रिझते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपसे निवेदन किया ना भाई, संबंध तभी सफल है जब भगवान स्वीकार कर ले। आप जो भी साधन करते हैं, आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, आपकी उपासना की जो भी विधि है, आप पूजा पाठ का जो भी तरीका अपने जीवन में अपनाते हैं, बात यह है कि आपका इष्ट, आपका आराध्य उससे प्रसन्न है या नहीं है। वो भक्ति कौन सी है, वो भावना कौन सी है, वो विधि कौन सी है? और यहां मैं एक बात और निवेदन करूंगा, मैं कई बार व्यासपीठ से इसकी चर्चा करता हूं कि धर्म में तीन गुण होने बहुत आवश्यक हैं। एक तो धर्म बहुत प्रायोगिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं यहां से उपदेश कर दूं और आप भी उतनी श्रद्धा से यहां से उपदेश श्रवण कर लें, यहां से चले जाने के बाद ना तो उसका लेश कहीं मेरे जीवन में रहे और ना आपके जीवन में। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि मैं 3 दिन आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं यहां आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया, और कथा श्रवण के बदले आपको कोई पुण्य प्रसाद देने की बात भी मैं नहीं करूंगा। मैंने आरंभ ही यहां से किया, इस माध्यम से मैं कहता हूं, आप सुनते हैं, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपकी ऊर्जा मुझ तक आती है, और इसे ही कहते हैं विचार का मंथन, इसे ही कहते हैं विचार का मंथन। आपने कभी अगर अपने घर में मथनी चलाई हो तो 2 छोर होते हैं ना, उसके 2 छोरों से मथा जाता है। ऐसे ही एक मैं यहां से कथन कर रहा हूं, आप वहां से श्रवण कर रहे हैं, मैं जिस भाव से आपको निवेदन करूंगा, आप यदि उस भाव से उसे ग्रहण करते हैं तो आपके मन की, आपके उर अंतर की प्रसन्नता मुझ तक पहुंचेगी, और आप और मैं दोनों मिलकर यहां ये कुछ क्षण जो आपको मुझे मिले हैं, ये 3 दिन का जो समय आपको मुझे मिला है, आप और मैं यहां पर बैठकर मंथन करेंगे और देखेंगे कि 3 दिन के विराम के पश्चात इस विचार के मंथन के स्वरूप आपको मुझे क्या नवनीत रूपी प्रसाद मिलता है। तो इसी उद्देश्य से आइएगा यहां पर,
इसी यही यही पवित्र लक्ष्य लेकर आइएगा, और मैं तो ये भी कहूँगा कि यही पवित्र संकल्प लेकर आइएगा कि आपको और मुझे यहाँ पर विचार का मंथन करके, सच चर्चा करके, भगवत चर्चा करके अपने जीवन को किस प्रकार वैसा सुंदर बनाना है कि एक दिन भगवान हमारी ओर आकर्षित हो, एक दिन प्रभु भी आपके मेरे द्वार पर चल कर आए, आपका मेरा जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि ये एक 3 दिन का एक दैवी अनुष्ठान है और संकल्प पवित्र होना बहुत आवश्यक है। तो आप और मैं बड़े पवित्र संकल्प से इस 3 दिवसीय अनुष्ठान में प्रवेश करिएगा, भक्त की, भक्ति की, भगवान की कुछ सुमधुर चर्चा करके कुछ आप और मैं अपने अपने जीवन में उसकी सुवास लाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो युक्ति ढूंढी जाए जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं, और गोस्वामी जी उसका एक बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राण। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है। अच्छा, ये स्वतंत्र शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कहा है गोस्वामी जी ने। एक बंधे हुए व्यक्ति को कौन खोल सकता है? जो स्वयं मुक्त हो, जो स्वयं स्वतंत्र हो। माया के बंधन में बंधा हुआ जीव कौन मुक्त कर सकता है? कर्म स्वतंत्र नहीं है, ज्ञान भी स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति मुक्त कर सकती है। आपके मेरे बंधन को कोई छुड़ा सकता है तो भक्ति छुड़ा सकती है। क्यों? कोई प्रश्न कर सकता है मुझसे कि भाई भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को किसी संकल्प बल की आवश्यकता नहीं है, भक्ति को आपके मेरे बल की भी आवश्यकता नहीं है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और सूरदास कहते हैं, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। भक्ति को किसी के बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के पास भगवान का बल है, जो ना कभी कम होता है ना कभी क्षीण होता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ निवेदन करूं, क्योंकि हमने इस 3 दिवसीय सत्र का नाम दिया संत वाणी, और मैं व्यासपीठ से जो भी निवेदन करता हूँ वो संतों की वाणी ही निवेदन करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको ये कहूँगा कि संत की वाणी एक एक प्रकार से गोता लगाने के लिए है। एक एक शब्द मैं यदि यहां से संकल्प लूं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, तो मैं 3 दिन चर्चा कर सकता हूं आपके साथ। कैसी भक्ति, क्यों स्वतंत्र है, कैसी है भक्ति की स्वतंत्रता, कौन कौन से गुण हैं भक्ति में, और किस प्रकार बिन साधु संग जीव ये सुख, ये रस, ये भाव अपने जीवन में नहीं पाता, किस प्रकार पाता है, किस प्रकार चूक जाता है। तो संत की वाणी का गुण ही यही है कि संत की वाणी में गोता लगाया जाता है, उसका मर्म जानने के लिए, उस शब्द में कोई बड़ा गहन गंभीर अर्थ छिपाए। कभी कभी 2 पंक्तियों के बीच में भी कुछ लिखा रहता है जिसे कोई बुद्धिमान पढ़ पाता है, जिसे कोई प्रज्ञावान पढ़ पाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक तो भक्ति स्वतंत्र है, क्यों? क्योंकि भक्ति के पास भगवान का बल है, भक्ति के पास भगवान का बल है। भक्ति नहीं देखती आप मैले कुचैले हैं, धर्म मैले कुचैले व्यक्ति को नहीं उठाएगा, भक्ति उठा लेगी। भक्ति कीचड़ में लिपटे जीव को उठाएगी और धो मांझ कर उसे ईश्वर के योग्य बना देगी। भक्ति के अतिरिक्त ऐसी करुणा, भक्ति के अतिरिक्त ऐसी दया जीव पर कोई नहीं करेगा। इसीलिए भक्तों ने भी और भगवान ने भी भक्ति का बड़े उन्मुक्त कंठ से पक्षपात किया।